good morning everyone continuing with our next question question number 12 varma brothers has one branch at ludhiana and other at khanna goods are sent to branch at cost plus 25% all expenses of the branch are met by the head office and branch sends all cash received to head office prepare ludhiana branch account and branch trading and profit and loss account from the following particulars related to ludhiana branch स्टॉक गिवन है हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है ओपनिंग पेटी कैश कैश का बैलेंस गिवन है ओपनिंग गुड्स टू ब्रांच सेल्स सेल्स क्रेडिट कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट्स मतलब से देन बैड डेप्स रेंट एंड सैलरी सेलिंग कस्टमर्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम खन्ना ब्रांच टू लुधियाना ब्रांच Petty expenses of branches, invoice, value of ऑफ गुड्स अमाउंट received फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए हमें ओपनिंग बैलेंस किन है स्टॉक का भी डेप्ट का भी तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि जब हमें क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस किवन है तो मतलब हमें ब्रांच का डेप्ट अकाउंट भी बनाना है इसके अलावा हमें और क्या गिवन है यहाँ पर हमें स्टॉक से रिलेटेड आइटम गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है मतलब हमें मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और इसके बाद हमें और क्या बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है लुधियाना का ब्रांच अकाउंट और उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट तो सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी के पास क्वेश्चन आते हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया है लुधियाना ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया है तो बेस्ट अप्रोच जो है क्वेश्चन को करने की दैट इज की पहले आप ब्रांच अकाउंट बनाइए सभी एंट्रीज को देखते हुए ब्रांच अकाउंट कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए क्योंकि आ, अगर आप दोनों को साथ साथ चलाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कन्फ्यूजन किसके रिगार्डिंग क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें आइटम्स आनी है कॉस्ट प्राइस पर लेकिन जो आप ब्रांच अकाउंट बनाते हैं उसमें इन प्राइस पर भी गुड्स को मेंशन किया जाता है तो बेस्ट अप्रोच जो है दैट इज अगर आप ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो पहले ब्रांच अकाउंट को कम्पलीट कीजिए पूरा क्वेश्चन देख के और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को बनाइए तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांच अकाउंट सबसे पहले जो हमें आइटम गिवन है दैट इज स्टॉक तो तो डेप्टर्स जो हमारा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है स्टॉक का टू बैलेंस बी 65000 और स्टॉक जो हमारा है ब्रांच अकाउंट में भी आता है तो टू बैलेंस बी स्टॉक 65000 का नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम गिवन है दैट इज ओपनिंग डेप्टर्स वन है तो डेप्टर्स अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 28000 का

जो भी आपका इन्वॉइस प्राइस है उस पर सेंड की गई है और यहाँ पे क्लियरली मैंशन है सेंड टू ब्रांच एट एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट तो जो हमारा प्राइस गिवन है दैट इज फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड तो ब्रांच अकाउंट में हमने लिख दिया टू टू ब्रांच अकाउंट फ्रॉम हेड ऑफिस उसेंड नेक्स्ट आइटम कैश सेल्स की क्रेडिट सेल्स की कैश सेल्स है तो ब्रांच अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया कैश सेल्स 95,000 की क्रेडिट सेल्स है हमारी तो स्टॉक अकाउंट में हमने क्रेडिट सेल्स लिख दिया थ्री लैख नाइंटी

तो बैड डेप्स नाइनटी एट हंड्रेड रेंट एंड सैलरीज सेलिंग एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस हैं ये तो ब्रांच अकाउंट में हमने लिख दिया रेंट एंड सैलरीज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट देन गिवन है दैट इज लॉस्ट ड्यू टू वेस्टेज ऑफ स्टॉक तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में बाय वेस्टेज ऑफ स्टॉक टेन थाउजेंड रुपीज का देन गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड

पेटी एक्सपेंसेस टी टू हंड्रेड रुपीज के तो क्लोजिंग बैलेंस जब पेटी कैश का लिखेंगे तो थर्टी फाइव हंड्रेड में से हमने ट्वेंटी टू हंड्रेड माइनस कर दिया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पर थर्टीन हंड्रेड रुपीज लिख दिया अब जो ये एक्सपेंसिस है इसे अलग से हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर कहीं पे भी मैंशन नहीं है कि इंप्रेस्ट सिस्टम आपने फॉलो करना है देन नेक्स्ट है आपका इन वॉयस वैल्यू ऑफ गुड्स प्ले मतलब जो गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हुई हैं तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हमेशा हम किस पे बना रहे हैं हम इन वॉयस प्राइस पर बनाते हैं तो बाय बाई लॉस ऑफ गुड्स टू फ्रिज एंड uh, आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अमाउंट दिया गया है तो ट्वेंटी थाउजेंड हमने कहां पर आपके हेड ऑफिस को करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको अमाउंट मिला सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का वो हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये ब्रांच अकाउंट की सारी एंट्रीज हमने कर ली डेप्टर्स अकाउंट को हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा हमारे पास क्लोजिंग फिगर्स आ जाएंगी क्लोजिंग डेप्टर्स आ जाएगा तो क्लोजिंग डेप्टर्स को हमने हाँ पर ब्रांच अकाउंट में शो कर दिया कैश रिसीव हम शो कर चुके हैं ओपनिंग हम शो कर चुके हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में भी आ, आपका सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर आएंगी गुड सेंड टू ब्रांच भी आ गया मतलब वो वो आइटम्स जिसकी वजह से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड पे और वो वो आइट जिनकी वजह से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर तो टू बैलेंस पीडी ओपनिंग स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट टू टू सेल्स रिटर्न गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच अकाउंट ये वो आइटम्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है बाय बाय सेल्स कैश और क्रेडिट गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय लॉस ऑफ गुड्स बाय वेस्टेज ऑफ स्टॉक दोनों साइड्स को हमने बैलेंस किया तो हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को हमने ब्रांच अकाउंट में बैलेंस उसका क्लोजिंग दिखा दिया बायेंस सी डी स्टॉक फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो ये हमारे जो ब्रांच टैप्टस अकाउंट है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है इनको हमने बैलेंस कर लिया ब्रांच अकाउंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं इन प्राइस हमने ट्वेंटी फाइव एट कॉस्ट हमने सेंड किया हुआ है तो मतलब जो एडजस्टमेंट है स्टॉक रिजर्व की वो हमें यहाँ पर शो करनी है स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक 65,000 की है इसके एडजस्टमेंट के लिए 65,000 इनटू 25 डिवाइड बाय 125 परसेंट uh, 125 तो ये आ गया 13,000 का सेम तरीके से गुड्स सेंड टू ब्रांच है 4,45,000 प्लस सेवेंटी वन थाउजेंड मतलब फाइव हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड की इसमें से गुड्स रिटर्न हमने माइनस कर दी ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये हमारे पास आ गया फोर लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी फाइव ये हमारे पास नाइनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आ गया स्टॉक्री देन हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट 43,500 25 upon 125 8,700 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई तो दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा नेक्स्ट जो हमने इस क्वेश्चन में बनाना है दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा कॉस्ट पर बताता है तो सबसे ऊपर जो हमें गिवन है दैट इज स्टॉक गिवन है हमें ओपनिंग स्टॉक सिक्सटी का सिक्सटी का जो गिवन

टू गुड सेंड टू ब्रांच हमारी कितनी है हेड ऑफिस में थर्टी जो ये हमारा फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड और सेवेंटी वन थाउजेंड है इसका टोटल फाइव वन सिक्स डब ट्रिपल जीरो आया था इसमें से जब हम नाइन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो माइनस करेंगे तो जो आपका अमाउंट है वो थ्री नाइन्टी आ जाएगा लेकिन यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे हैं जो ये थ्री नाइन्टी आएगा ये रिटर्न्स बाय ब्रांच करने के बाद आएगा आपका अब इसमें हमने क्या किया या तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इन है तो फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड में इन्फ्लेटेड प्राइस कितना है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी बाय 125. तो जो भी अमाउंट आएगा उसको जब आप फोर लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड से माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी थ्री लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सेम तरीके से खन्ना ब्रांच से जो आपको रिसीव हुआ सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज का उसकी कॉस्ट निकालने के लिए सेवेंटी वन थाउजेंड रुपीज का जो स्टॉक इन्फ्लेटेड प्राइस उसमें इंक्लूड है उसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे सेवेंटी वन थाउजेंड इन टू ट्वेंटी बाई वन फाइव जो भी अमाउंट आएगा सेवेंटी वन थाउजेंड से आप उसे माइनस करेंगे तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड आपका कॉस्ट आ जाएगा

आ जाएगा और जब हम इसी चीज को इंडिविजुअल करके क्यों करेंगे क्योंकि हमें इसे अंदर जो अमाउंट है वो कॉस्ट पर लिखनी है तो ये हो गया आपका टू गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस फ्रॉम खन्ना और उसमें से माइनस कर दिया हमने रिटर्न्स बाय ब्रांच जैसे आप जो रिटर्न आपने ब्रांच को वापस कर दिया अमाउंट उस वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखनी है उसके बाद सेल्स हमें दी गई है कैश सेल्स एसेट हमने लिख दी क्रेडिट सेल्स हमने लिख दी आइटम्स देखते हैं कैश uh, सेल्स हमने लिख दी क्रेडिट सेल्स हमने लिख दी कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट्स ये नहीं आता है यहाँ पर बैड डेप्स हैं रेंट एंड सैलरीज हैं सेलिंग एक्सपेंसेस हैं ये सारे आपके पी एल अकाउंट में आते हैं तो पी एल अकाउंट में टू बैड डेप्स रेंट एंड सैलरी सेलिंग एक्सपेंसेज और पेटी एक्सपेंसेज हमने लिख दिया देन नेक्स्ट जो आइटम हमारा गिवन है लॉस्ट ड्यू टू वेस्टेज ऑफ स्टॉक और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी भी है आपका और ये जो लॉस ड्यू टू वेस्टेज ऑफ गुड्स है इसमें एक और चीज इंक्लूड है इन वॉयस वैल्यू ऑफ गुड्स तो इसको हम बाद में देखते हैं कैसे करने है? पहले ऊपर की आइटम्स हम मैच कर लेते हैं गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस हम कर चुके हैं इसकी एडजस्टमेंट रिटर्न बाय कस्टमर मतलब जो आपका सेल्स रिटर्न हुआ है तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें से सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर दिया अब हम जो स्टॉक की हमारी लॉस हुई है उसकी करते हैं बाय लॉस ऑफ

कॉस्ट पे जो स्टॉक का लॉस हुआ है ड्यू क्लिफरेज और ड्यू टू वेस्टेज वो यहां पर शो हो गया क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालने के लिए सेम तरीके से ये आपका इन्फ्लेटेड प्राइस गिवन है फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इसमें से आपने स्टॉक रिजर्व माइनस किया एटी सेवन हंड्रेड का तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया कॉस्ट uh, प्राइस पर जब दोनों साइड्स को आपने बैलेंस किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट को आपने पी एंड एल अकाउंट में आगे उसे कैरी फॉरवर्ड किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी नाइनटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड और यहाँ पे एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं हमारे पेटी एक्सपेंसिस हुए थे ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज के तो उसे यहाँ पर हमने ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज पेटी एक्सपेंसिस शो कर दिए इसके अलावा पी एंड एल अकाउंट में जो हमें लॉस हुआ है लॉस ड्यू टू वेस्टेज जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो लॉस्ट यूट्यूब वेस्टेज एट थाउजेंड का हमने लिख दिया लॉस्ट यूट्यूब लिफरेज हमारा जो हुआ है लॉस जो हमारा हुआ है 18, की हमारी कॉस्ट थी इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने जो दिया है 16, 500, तो दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आया हमने वो पी एल में शो कर दिया तो अब दोनों साइड को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा और ये जो नेट प्रॉफिट आपका आया है ये मैच करेगा जो आपने ब्रांच अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला है उससे जब दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट्स का जो मेथड है ब्रांच अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नेक्स्ट जो हमारा मेथड है स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच